हेलो एंड वेलकम टू सुबीर फोगड़िया चैनल। दोस्तों, फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह सब स्टार्ट हो गए हैं। आप कोई भी फोन ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जीएसटी की वजह से सभी फोन्स के प्राइस काफी बढ़ गई हैं। लेकिन कुछ एक फोन ऐसे जिनके प्राइस अभी अभी वापिस से ड्रॉप कर दिए गए। जी, 4,000 से 4,500 रुपए तक प्राइस कम कर दिया गया। इसमें अब ये तो पता नहीं कंपनी को घाटा लग रहा है या फिर भी उनको फायदा हो रहा है, लेकिन प्राइस ड्रॉप कर दिया गया है। इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर चेक कर लीजिएगा। पहला जो फोन है जिसका प्राइस कम हुआ वो सैमसंग गैलेक्सी M21, जो कि काफी अच्छा फोन है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलते हैं इसमें, 48 मेगापिक्सल कैमरा, 6,000 mAh की बड़ी बैटरी है। तो यहाँ पे 4GB 64GB का जो वेरिएंट था उसका प्राइस 12,999 की प्राइस में लॉन्च हुआ था, और जीएसटी के बाद में इसका प्राइस हो गया था 14,200 रुपए से ज्यादा। अब इसका प्राइस हो गया 12,699 रुपए, यानी कि 12,999 रुपए की प्राइस में लॉन्च हुआ था और 12,699 का प्राइस हो गया, यानी लॉन्च से भी कम का प्राइस हो गया। और काफी अच्छा फोन है वीडियो मूवी देखने के लिए, या आप गेमिंग भी कर सकते हैं। कैमरे भी बेटर है, बड़ी बैटरी मिल रही है, फास्ट चार्जर भी है, तो सब कुछ आपको इसमें बेटर देखने को मिल जाता है। 12,699 रुपए की प्राइस में इन स्पेक्स के साथ आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले किसी फोन में देखने को नहीं मिलता है। अगर आप मूवी वीडियो ज्यादा देखते हैं तो एकदम से सुपर एमोलेड डिस्प्ले कमाल की देखने को मिलती है। आप जरूर से बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, डायरेक्ट आप वहां से बाय कर सकते हैं। और इसका जो 6GB 64GB वाला वेरिएंट है उसका प्राइस भी 1,000 रुपए कम हो गया, वो भी ले सकते हैं। और जो अगला फोन है जिसका प्राइस कम हुआ है वो सैमसंग गैलेक्सी A50s, जो 4GB और 128GB वाला वेरियंट है, जो 22,999 रुपए इसका प्राइस था पहले, लेकिन अब इसका प्राइस 18,570 रुपए कर दिया गया, यानी 4,500 रुपए कम हो गए हैं। इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, काफी अच्छा फोन है गैलेक्सी A50s। इसको आप जरूर से देख सकते हैं, क्योंकि 23,000 रुपए से सीधा इसका प्राइस हो गया है 18,570 रुपए, 4,500 रुपए कम की प्राइस में आपको मिल रहा है। आपका अमेजोन पे मिलेगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डायरेक्ट आप जाके परचेज कर सकते हैं। और अगला फोन है वीवो S1, 4GB और 128GB वाला वेरियंट, जिसका प्राइस पहले 17,990 रुपए था, लेकिन अब 1,000 रुपए कम कर दिए गए हैं, 16,990 रुपए की प्राइस में आपको मिल जाएगा। इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, और अच्छी बात की सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का दिया हुआ है, तो सेल्फी कैमरा काफी बेटर है, और बैटरी, फास्ट चार्जर सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आप वीवो का कोई फोन लेना चाहते हैं तो मैं कहूंगा वीवो S1 ले सकते हैं, क्योंकि प्राइस 1,000 रुपए कम में आपको मिल रहा है। और अगला फोन है जो 5G फोन जो अभी लॉन्च हुआ था, IQ3, जिसका प्राइस 38,990 रुपए था, लेकिन उसका प्राइस अब कर दिए गए 34,990 रुपए, यानी डायरेक्ट 4,000 रुपए कम कर दिए गए हैं। ये 5G फोन है, स्नैपड्रैगन 865 का पावरफुल प्रोसेसर है, तो आप इसको देख सकते हैं। और दोस्तों, अगला फोन जो चाइना में लॉन्च हुआ था, Redmi K30, जो 5G फोन था, वहां भी उसका प्राइस कम कर दिया गया। वहां $325 में लॉन्च हुआ था, लेकिन अब उसका प्राइस है $283, यानी कि $42 का प्राइस कम कर दिया गया है। तो इस हिसाब से लग रहा है कि जो भी इंडिया में फोन लॉन्च होंगे या जो पहले आए हुए हैं, वो धीरे धीरे उनका प्राइस वापिस से कम किया जाएगा। तो दोस्तों, ये भी फोन थे जिनका प्राइस कम हुआ है, आप इनमें से कोई ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर एक बार जरूर से देखिएगा। उनके अलावा आप चाहते हैं कौन सा फोन बेटर है, तो यहाँ पे अगर सैमसंग का, तो सैमसंग गैलेक्सी M30s 15,000 की प्राइस में सही फोन है, और रेडमी नोट 8 और 8 प्रो, इनको भी आप देख सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों, इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो कर दीजिए एक लाइक, और जी करे तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं।